गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइब्रेजन लाइफस्टाइल। अरे मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आप सब लोग को आज की एक न्यू इंटरेस्ट ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड स्वस्थ हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मॉर्निंग के टाइम में और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये तो मेरी रोज़ की वार्क है, तो आप लोग देखिए रोज़ की वार्क में क्या क्या कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स पहली बात है, अगर आप सब लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड जब भी चैनल में न्यू फ्रेंड जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा। फिर मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँगी आप सब लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर पाएंगे। और फ्रेंड्स तो देखिए, मैंने फिर झाड़ू लगा दी, फिर कुछ इधर आ गया चूल्हे के पास लिपाई करने के लिए। और ये लिपाई पुताई तो हम हर रोज करते हैं। और ये धूप की टाइम आ गई है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस टाइम। और इसीलिए ना बहुत धूप में जल्दी जल्दी में काम ख़त्म करना ही अच्छा होता है, नहीं तो धूप में हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो लिपाई भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी में, और फिर जो एक्स्ट्रा वर्क है वही मुझे करना होता है ना, तो वो भी करना है। देख सकते हैं जब लिपाई करती हूँ ना तो कितना अच्छा दिखता है चूल्हे के पास, और ब्यूटीफुल सी एक व्यू भी आती है। और ये ना अच्छा भी लगती है काम करने में, क्योंकि एक्सरसाइज जैसे हो जाती है ना, तो सारा वर्क करना ज़रूरी है। तो आप लोग देखिए मैं क्या क्या वर्क कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर ना इवनिंग के टाइम है ये, मैं दिन भर और कुछ क्लिप नहीं ली थी। और इवनिंग के टाइम में देखिए, ये अंकल जी है ना, ये ट्री के ऊपर जा रहे, देखिए कैसे उठ रहे हैं, क्योंकि मुझे ना आज नारियल की हार्वेस्टिंग करनी है, कोकोनट हार्वेस्टिंग करनी है। और ये हर एक साल में एक बार हार्वेस्टिंग करते हैं, जिसमें कि हम सारे जितना भी नारियल होती है ना ऊपर ट्री के ऊपर, सबको काट के नीचे लाते हैं और सारा ट्री को साफ सफाई कर देते हैं, जैसे कि अगले साल के लिए, अगले साल का फ्रूटिंग अच्छा हो इसीलिए। तो देख सकते हैं ये अंकल जी कितना मेहनत से बहुत ऊपर जा रहे हैं। और पता है ये एक ट्री का ना 100 रुपये लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ऊपर जा रहे हैं। और इनका जो हाथ में पकड़ी है ना, वो जो लकड़ी काटते हैं ना, देखिए कितना तेज है, कितना धारे, एक हाथ में पकड़ते हैं और एक हाथ में काटते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ना। तो मुझे तो डर लगता है फ्रेंड्स, आप लोग बताना ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग को डर लगा कि नहीं लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगती है, कैसे पता नहीं ये कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स फिर देखिए इधर कितना सारा नारियल हुआ है ना, बहुत सारा नारियल हुआ है इस ट्रे में। तो सारा नारियल को नीचे हम देखिए ये काट रहे हैं ना नीचे लाने के लिए, तो हम इसको नीचे लाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊं कितना सारा नारियल जो है हार्वेस्टिंग हुआ था। और इतना सारा नारियल का हम क्या करते हैं पता है? कुछ तो हम रिलेटिव में देते हैं गेस्ट में, और कुछ पूरे साल के लिए रखते हैं, और कुछ ना हम सेल भी कर देते हैं जो एक्स्ट्रा रह जाता है, क्योंकि ज़्यादा नारियल का क्या करना है, खराब ये भी जो होता है ना, ज़्यादा दिन रखने के बाद इसका अंदर की पानी जो है ना वो ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए। तो देखिए कितना बीक बीक नारियल की जो ये है ना, कितना सारा एक नारियल के ये क्या बोलते हैं इसमें, गुच्छे जैसे है ना, कितना ज़्यादा हुआ है देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इतना सारा हुआ था नारियल, ये देखिए बहुत सारा हुआ था। और फिर ना मैं इसको ये नारियल पानी पीने वाला जो पानी होती है, नारियल पानी पीते हैं, ये वो बड़ा नारियल है। तो मैं इसको देख रही थी कितना एक में कितना हुआ है, मैं गिन रही थी इसको। और फिर देख सकते हैं जो हमारा ट्री है ना, ट्री एकदम कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है पता है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब जो भी ट्री में फ्लावर आएगा ना, फूल आएगा ना, वो नीचे नहीं गिरेगी, वो देखिए ऐसे रुकेगी, और फिर बहुत सारा प्लान मतलब फ्रूटिंग होगी इस साल, क्योंकि इतना साफ अच्छे से साफ किए हैं ट्री को।
फिर ना मेरी बेटी को देखना वो कैसे खाती है नारियल, बहुत ही उसको नारियल पसंद है। मम्मा किसो खाइबो रे किसो रे पैगड़े पानी भारी मधुर खा दे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो नारियल की पानी बेटी पी ली है। और ये देखिए नारियल, मतलब ये ना जो पानी वाला नारियल होती है, जो नारियल को हम पानी के थ्रो में पीते हैं ना, वो वाला नारियल होती है। देखिए कितना अच्छे से उसका जो नारियल का अंदर की जो छिलका निकल रहा है ना, कितना ये बहुत ही स्वीट होती है, बहुत टेस्टी भी होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो इधर ही एंड करेंगे, फिर मिलेंगे और एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल, बाय बाय ऑल, टेक केयर।